लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। कटघोरा पुलिस का सड़क सुरक्षा कार्यक्रम, स्कूली बच्चों द्वारा किया गया रैली का आयोजन। 17 जनवरी को कटघोरा पुलिस के द्वारा 31वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने सड़क पर रैली निकालकर लोगों को सड़क सुरक्षा के विषय में संदेश दिया। इस पूरे आयोजन में कटघोरा पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, स्कूली बच्चों सहित स्कूल के शिक्षकों की अहम भूमिका रही। थाना प्रभारी रघुनंदन प्रसाद शर्मा ने सड़क नियमों का पालन नहीं करने से हो रही दुर्घटनाओं से अवगत कराया और सभी को नियम पालन करने की जानकारी दी। बिना हेलमेट के दो पहिया वाहन न चलाएं। हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है, गाड़ी चलाते समय उसका प्रयोग करें ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। वाहन हमेशा धीरे चलाए, तेज न चलाए। थाना प्रभारी ने यह भी बताया कि कई स्कूली बच्चे दो पहिया वाहन से स्कूल जाते हैं, वे भी पूरे नियमों का पालन करें और अगर नहीं करते हैं तो पुलिस उन पर कार्यवाही कर सकती है। बिना लाइसेंस के वाहन न चलाएं और सड़क सुरक्षा के नियमों का पूरी तरह से पालन करें। क्लिपर 28 के लिए कटघोरा से अरविंद शर्मा की रिपोर्ट। महोदय, आज 31वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आखिरी दिन है, किस तरह के कार्यक्रम हो रहा है, किस तरह के आयोजन हो रहा है और यातायात नियमों को लेकर किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कटघोरा थाना की तरफ से? जी, कटघोरा पुलिस की ओर से 31वां सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर आज अंतिम दिन होने पर आज कार्यक्रम विविध प्रकार से रखा गया। सबसे पहले सुबह जो है हेलमेट रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया कि दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर लगाएं, नशे की हालत में वाहन न चलाएं, तीन सवारी बैठाकर वाहन न चलाएं और अपने बाएं तरफ ही चलें और जब भी क्रॉस करना हो, ओवर अटेक करना हो तो देख करके करें, ओवर अटेक तेज गति या अन्य गलत प्रकार से ना करें, तेज गति से वाहन न चलाएं। इस तरह से लोगों को जागरूक किया गया। उसके बाद स्कूली छात्र छात्राओं और टीचर के माध्यम से एक रैली निकाली गई, जो रैली में सभी को जागरूक किया गया कि नशे की हालत में वाहन न चलाएं, सीट बेल्ट लगाकर ही चार पहिया वाहन चलाएं और यातायात नियमों का पालन करें। इसमें शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालिका गर्ल्स और सरस्वती शिशु मंदिर के बच्चे एवं टीचर्स भाग लिए हैं और इनका जो है यातायात नियमों के पालन करने के लिए भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ है। एक नियम बताया गया था यातायात विभाग की तरफ से और स्कूल शिक्षा विभाग ने भी यह बताया था कि स्कूलों में जो बच्चे हैं, कम उम्र के बच्चे हैं, नाबालिग हैं, वो लगातार वाहनों का उपयोग कर रहे हैं स्कूल आने जाने के लिए और इनके रोकथाम की बात कही गई थी, तो इन चीज़ों को लेकर पुलिस प्रशासन कितनी कड़ाई बरत रही है? इनको यह भी बताया गया कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वाहन चलाने के लिए नहीं है, प्रतिबंधित है। निश्चित तौर पे इनको समझाइश दी गई है और मुझे भरोसा है कि ये उसका पालन करेंगे और अगर पालन नहीं करते हैं और गलती पाई जाएगी तो उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और आज सड़क सुरक्षा सप्ताह में हमारे कोरबा से यातायात पुलिस भी इसमें भाग ली है, उनका भी भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ है। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.